उज्जैन में कोरोना संकट काल में हजारों बेसहाराओं की भूख मिटाने वाली संस्था ने लॉकडाउन के तीसरे चरण की समाप्ति पर बाबा महाकाल की आरती कर भोग लगाया। इस दौरान उज्जैन की महापौर और निगम आयुक्त ने आरती में सम्मिलित होकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। पिछले लगभग 2 महीने से भूखे बेसहारा लोगों की सेवा में लगे नीड ए ब्लड सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उज्जैन महापौर मीना जोनवाल और निगम आयुक्त ऋषि गर्ग की उपस्थिति में बाबा महाकाल की आरती की। नीलगंगा क्षेत्र में हुए इस आयोजन में 1000 से अधिक लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई। दाल बाटी और नुक्ति का भोग बाबा महाकाल के चरणों में अर्पित कर जल्द ही देश और दुनिया से कोरोना वायरस का प्रकोप खत्म करने की कामना की है। की करो हरि हर की करो नटवर की भोल शंकर की आरती करो शंकर की आरती करो हरि हर की करो नटवर की भोल शंकर की आरती करो शंकर की। शंभू है जग के रखवाले कणिका हार पहनने वाले शंभू है जग के रखवाले सकल चराचर डगमग डोले लीला से विषधर की आरती करो शंकर की। आरती कारे सिर पर शशि का मुकुट बिराजे पैरों में पायल झनकारे सकल चराचर डगमग डोले उंगली से विषधर की आरती करो शंकर की। महादेव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरूधर महादेव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय डम पार्वती पते हर हर महादेव। हाथ जोड़ करके सभी लोग प्रार्थना करेंगे। संस्था नीड ए ब्लड के केसर सिंह पटेल अंकित चौबे ने बताया कि उनकी संस्था द्वारा लॉकडाउन के पहले दिन से ही यह पुण्य कार्य किया जा रहा है जो कि आज भी निरंतर जारी है। महाकाल बाबा के आशीर्वाद से और माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के मंशानुसार आज हम 55-56वें दिन में पहुँच चुके हैं कोरोना लॉकडाउन के तहत। और प्रतिदिन निरंतर सलंग हम भोजन दे रहे हैं गरीब असहाय गरीब लोगों को और हमारे सभी क्षेत्रों में हमारे द्वारा भोजन निर्माण करके सूखी राशन सामग्री भी पहुँचाई जा रही है और निर्माण करके भी उज्जैन शहर में आज भी लगभग 18 से 20 हज़ार पैकेट हम प्रतिदिन संस्थाओं के माध्यम से वितरण कर रहे हैं। और जब तक ये लॉकडाउन चलेगा बाबा महाकाल की कृपा से उज्जैन शहर में कोई भूखा नहीं रहेगा, ये सभी की मंशा है। और हमारे पूरी टीम के साथी मैं स्वयं उसके साथ में मेरी पूरी टीम हमेशा इस कार्य में लगी रहती है और ये निरंतर चलता रहेगा। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान उज्जैन शहर में कोई भूखा नहीं सोए इसके लिए प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं ने गरीब और जरूरतमंदों के लिए अपने द्वार खोल दिए हैं। खबर मध्य प्रदेश के लिए उज्जैन से मुरली मनोहर जोशी की रिपोर्ट।